हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वनडे मैथ्स दंगल पे सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 9th। तो इससे पहले जो मैंने बेसिक इसके बारे में इससे पहले वीडियो में बता रखा है, तो आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड इसी वीडियो में करेंगे। तो बेसिक जो मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में है लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। जिन बच्चों को अगर समझना है, अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है, जो भी ये पार्ट्स दे रखे हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की फॉर्म में है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स, और इसके लिए आपको रीजन भी बताना है क्यों नहीं है। अगर वन वेरिएबल है तो उसके बारे में भी बताना है, अगर टू वेरिएबल्स है तो उसके बारे में भी बताना है, अगर थर्ड वेरिएबल्स के फॉर्म में है तो उसके बारे में भी बताना है। तो हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के बारे में बात करें तो उसमें वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, बाकी के नंबर आप उस पर टर्म्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल जो होगा वो एक ही फॉर्म में होगा। जैसे मान लो अगर हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की बात करें तो वो या तो इस तरीके से हो सकता है वाई प्लस टू बराबर जीरो, या थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू बराबर जीरो, इस तरीके से ये जो इक्वेशन है आपकी वन वेरिएबल के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था जो एक टर्म होता है, टर्म में एक वेरिएबल होता है और कोफिशिएंट होता है। तो इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी वेरिएबल वाई है, और इस वाले अगर टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी वेरिएबल वाई है। अगर इसके कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इधर y के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम चलिए क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। तो ये आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 4x² - 3x + 7। अगर बात करिए किस वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, और यहाँ पे आप देखेंगे जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही है, सेम है दोनों टर्म्स में। तो आप इसको बोल सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 4x², और मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल देखने के लिए उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स की पावर जो है पॉजिटिव। तो आप इसको लिख सकते हैं 4x² - 3x + 7 इज वन वेरिएबल इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। बस आपको देख के, अगर आपको बेसिक इसके बारे में बताया पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है। पहले तो हम देखेंगे, चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो फिर उसके बाद देखेंगे वन वेरिएबल के फॉर्म में या टू वेरिएबल के फॉर्म में या थ्री वेरिएबल्स के फॉर्म में है। तो मैंने आपको बता रखा, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा क्या देखते हैं, सेकेंड पार्ट है आपका y² + √2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेरिएबल एक ही है, वाई के फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं, और पॉलिनोमियल भी है क्योंकि यहाँ पे जो उसकी हाईएस्ट पावर वो है क्या है, 2 है। तो और पॉजिटिव फॉर्म में है तो आप बोल सकते हैं y² + √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सेकेंड वाला भी आप देखेंगे, ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और कौन सा होगा, इन वन वेरिएबल के फॉर्म में होगा। इसके बाद अगर हम थर्ड वाला पार्ट करें, थर्ड पार्ट जो आपका लिखा हुआ है 3√t + √2। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पे तो t की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे t की पावर कितनी, हाफ है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3t की पावर, अंडर रूट हटाते हैं तो पावर कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, प्लस
रूट टू। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टी की पावर है वो किसके फॉर्म में है, अंडर रूट के फॉर्म में, मतलब होल नंबर्स नहीं है इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ये पॉलीनोमियल वन वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, आप इसको पॉलीनोमियल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री अंडर रूट टू, सॉरी थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू इज नॉट आ पॉलीनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो टी की पावर है वो क्या है, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, एक टर्म में तो है लेकिन दूसरे टर्म में नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं पॉलीनोमियल नहीं है। इसके बाद अगर हम इसका फोर्थ पार्ट करें, ये लिखा हुआ है वाई प्लस टू अपॉन में वाई, तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं वाई प्लस ये वाई की पावर वन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, टू की पावर माइनस वन हो जाएगी, टू वाई की पावर माइनस वन। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इसकी जो पावर है किसके कौन से नंबर के फॉर्म में आ गई, इंटीजर के फॉर्म में आ गई, जो कि पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन ये नंबर तो है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो आप ये भी जो पॉलीनोमियल होगा या जो भी इक्वेशन है आपकी पॉलीनोमियल नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं वाई प्लस टू अपॉन में वाई इज नॉट अ, जब पॉलीनोमियल नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई कि वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल इज नॉट अ पॉलीनोमियल। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई की पावर किस में, नेगेटिव के फॉर्म में है, माइनस वन है, तो आप वो उसको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो है वाई प्लस टू फॉर्म में वाई भी पॉलीनोमियल नहीं है। इसके बाद में हम लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे, यह है एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉलीनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल्स, यहाँ पे देखेंगे आप वेरिएबल्स अलग अलग लिखे हैं। अगर हम फर्स्ट वाले टर्म की बात करें एक्स की पावर 10 है, तो अगर इसकी कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे वन हो जाएगा। सेकेंड टर्म है वाई है, क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पे वाई की पावर 3 है, और अगर हम बात करें इसकी कोफिशिएंट की तो वन हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा जो वेरिएबल है टी की पावर 50, इसकी अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनकी पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है और होल नंबर्स के फॉर्म में है, तो ये जो आपका पॉलीनोमियल होगा वो थ्री वेरिएबल के फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50 इज अ पॉलीनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो ये जो पॉलीनोमियल होगा किस कौन से फॉर्म का होगा, इन किस टाइप का होगा, मतलब थ्री वेरिएबल के फॉर्म में होगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें कुछ नहीं बताना है आपको, सिर्फ कोफिशिएंट बताना है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है इसका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है वन वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, और इसमें सिर्फ आपको क्या बताना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट बताना है। तो आप यहां पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन
साइन भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि पहले प्लस लगा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव वन लिखेंगे, प्लस लगाते नहीं, आप लिख भी सकते हो, ये हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। दूसरे में दूसरा जो क्वेश्चन है, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये आपकी अगर पॉलिनोमियल की बात करें, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री मैंने बताया था जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल को उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगी, तो इसके लिए कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे कोफिशियंट कितना, नंबर नहीं, तो यहाँ पे साइन देखेंगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन। थर्ड पार्ट इसका है वो भी हम करेंगे, थर्ड पार्ट क्या है, पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसके पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे पाई बाई टू लिखा हुआ, तो इसका जो कोफिशियंट हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो मैंने करवाया ये आपको समझ में आया होगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके, और लाइक करें हमारे वीडियो को और कमेंट करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद।